साई हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया खबर सुपौल से। राघोपुर में एनडीआरएफ टीम के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। राघोपुर थाना परिसर के नजदीक सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन परिसर क्षेत्र में एनडीआरएफ टीम के द्वारा विभिन्न प्रकार के फलदार और छायादार पौधा का वृक्षारोपण किया गया। एनडीआरएफ असिस्टेंट कमांडेंट जेपी प्रसाद के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। असिस्टेंट कमांडेंट जेपी प्रसाद और एनडीआरएफ गणपतगंज कैंप के इंस्पेक्टर राजन कुमार ने बताया कि भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा अभी मॉनसून के पूर्व एनडीआरएफ टीम को सुपौल जिला में किसी भी आपातकालीन हालात को संभालने के लिए हर हमेशा तैयार रहने को कहा गया है। इसी दरमियान पर्यावरण सुरक्षा और शुद्धता के मद्देनजर सभी सदस्यों के द्वारा वृक्षारोपण का शुरुआत किया गया। एनडीआरएफ के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राघोपुर बीडीओ विनीत कुमार सिन्हा और राघोपुर थाना अध्यक्ष रजनीश केसरी ने भी साथ में वृक्षारोपण किया। राघोपुर थाना अध्यक्ष रजनीश केसरी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से लाखों मरीज की जान गई है और सभी को प्राकृतिक ऑक्सीजन के महत्व का एहसास किया गया, जो कि सिर्फ पेड़ पौधों से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए सभी को वृक्षारोपण के इस नेक कार्य को करना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। एमके न्यूज इंडिया के लिए राघोपुर से सुरेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। एनडीआरएफ के तरफ से यहाँ पे जो प्री मानसून डिप्लॉयमेंट होता है हम लोगों का, इसमें हम लोग प्रतिनियुक्ति पे यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे आज के डेट में हमारे बहुत सारी टीमें डिप्लॉय हो रखी है। सुपौल में हमारा आरआरसी है, इसके अलावा अररिया में एक टीम है और किशनगंज में टीम हमारी डिप्लॉय हो रखी है। इसी दौरान हम लोगों ने जब देखा कि यहाँ जगह अच्छा है, तो यहाँ के जिला प्रशासन के कंसर्न से और यहाँ के एसडीओ के कंसर्न से प्लांटेशन का प्लान रखा था। आज हम लोगों ने असिस्टेंट कमांडेंट एनडीआरएफ, उन्होंने इन्वाइट किया कि यहाँ पर पौधारोपण का कार्यक्रम हो रहा है, तो इसमें भाग लें। उनका ये कदम बहुत ही सराहनीय है। वृक्षारोपण का क्या आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं, कोरोना काल में ऑक्सीजन का कितना ज़्यादा महत्व बढ़ गया है और जिसकी प्राप्ति हमें इन बड़े बड़े पेड़ों से अच्छी मात्रा में हो गया, तो वृक्षारोपण का महत्व हम लोग आज के डेट में अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो इस सराहनीय कदम के लिए पूरी टीम को और हमारे जितने भी साथीगण हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एसएस प्रोलीजा मेडिकेयर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर छातापुर सुपौल, जहां हर एक बीमारियों का स्पेशल डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जाता है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। डिलीवरी महिलाओं के लिए 20 किलोमीटर तक एम्बुलेंस फ्री सेवा उपलब्ध है। प्रसव मरीजों के लिए महिला डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध है। तो आज ही आइए एसएस प्रोलीजा मेडिकेयर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड छातापुर सुपौल में और अपने बीमारियों से पाइए छुटकारा। मोबाइल नंबर है 9934988776 एवं 7645919487। राजा बाबू इंटरप्राइजेस श्रृंगार प्रसाधन के थोक एवं खुदरा विक्रेता। तो आज ही संपर्क करें, किसी भी प्रकार के पार्टी, शादी विवाह या मौके पर श्रृंगार से संबंधित हर एक सामान कंपनी मूल्य पर ले जाएं। राजा बाबू इंटरप्राइजेस, मेन रोड चौहान कॉम्प्लेक्स, लालपुर हाट, मोहनपुर, छातापुर, सुपौल। मोबाइल नंबर 8002241638 एवं 7061137236। साई हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778। हमारे यहाँ पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, हर्निया और डायग्नोस्टिक यानी दूरबीन द्वारा पेट की जांच व लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन के अलावा यूट्रस रिमूवल, बच्चेदानी का ऑपरेशन, गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन और प्रोस्टेट सर्जरी के अलावा पाइल्स यानी बवासीर का ऑपरेशन भी होता है। हमारे यहाँ स्त्री रोग एवं बाल रोग, हड्डी रोग एवं जोड़ रोग, जनरल रोग, पेट रोग विशेषज्ञ द्वारा इलाज किया जाता है।